गुड इवनिंग सभी को। आई थिंक वॉइस मेरी क्लियर होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है या फिर आप कोई इशू फेस करते हैं तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा वीडियो ऑन करना, एंड ऑडियो तो आप ऑन कर नहीं पाएंगे। थैंक्स आप सभी का ज्वाइनिंग के लिए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा 120 चार्ट बुक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसका हम पूरे का पूरा डिस्कशन करेंगे। हम हमेशा से हमने क्या किया है, आपको बताता हूँ कि जैसे फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल अगर आपको किसी ने रीड किया होगा या फिर आता होगा, तो सिंपली फंडामेंटल में दो अप्रोचेस होते हैं। वन होता है बॉटम टू डाउन एंड डाउन टू बॉटम, इस टाइप के अप्रोचेस होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम बॉटम अप और बॉटम डाउन हो जाते हैं, तो जब हम बात करते हैं, सॉरी इस टाइप का ही होता है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हम मेजर चीजों की बात करते हैं, मीन्स जब हम ट्रैक करते हैं स्टॉक्स को, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं इंडेक्स को। इंडेक्स से हमें सेक्टर का पूरा रेफरेंस मिलता है। देन हम जाते हैं कहाँ पे, स्टॉक स्पेसिफिक पे। और इसी टाइप से जब हम स्टॉक का देखते हैं, तो स्टॉक में क्या करते हैं, हम या तो वीकली देखेंगे पहले, वीकली के, या फिर ईओडी देखेंगे, ईओडी को कंफर्म करेंगे हम इससे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। जैसे हम बात करेंगे तो 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर या फिर 15 मिनट के चार्ट पे, इन सभी को हम कंफर्म करेंगे। देन उसके बाद हम आप देखते हैं कि इसके बाद हम जो कंफर्मेशन है वहां पे लेके जाते हैं। मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बिगर टाइम फ्रेम का चीज देखते हैं। इसी टाइप से जब हम स्टॉक स्पेसिफिक देखते हैं, तो क्या करते हैं, हम करते हैं इंडेक्स को रिसर्च, या फिर जो आपका मेजर है, देन उसके बाद हम स्टॉक स्पेसिफिक होते हैं। इस टाइप से नहीं होता कि हमने सबसे पहले देख लिया स्टॉक, हमने बाल बच्चों से पूछताछ कर ली, देन उसके बाद उनके पेरेंट्स के पास जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम सबसे पहले पेरेंट्स से पूछते हैं, या फिर जो समझदार हैं उनसे, उनको देखते हैं सिंपली ये है मेरा मतलब। देन उसके बाद हम जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, या फिर आपको जो स्मॉलर टाइम फ्रेम, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये आपको प्रोवाइड करता है एक्यूरेसी, ऐड करता है आपके चार्ट्स में, और ये आपको प्रोवाइड करता है क्लियर व्यू। क्योंकि आप देखोगे कि जैसे आपने वीकली पे, लाइक हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पे जब आप देखोगे कि जैसे हमने वीकली चार्ट पे देखा, अगर वीकली चार्ट पे आपका जो स्टॉक है अगर वो स्ट्रांग होगा, तो आपको सिंपली क्या है, ये आपका हायर टाइम फ्रेम में आपका जो चार्ट है वो आपका स्ट्रांग है। अब उसी को हम कंफर्म करते हैं नीचे जाके डेली पे। देन अब जब वीकली पे है, तो डेली पे पॉसिबिलिटी है कि ये हो या ना हो। अगर डेली पे भी आपका अप है, मीन्स दोनों में आपका सेम डायरेक्शन में है, तो चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, हम और ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम में हम चलते हैं। ये आपका हो सकता है 2 आवर या फिर 1 आवर। अगर यहाँ पे भी आपका आपके जो टाइम फ्रेम है, आपका जो व्यू है, आपके सॉरी उसको सपोर्ट करता है, तो देन हम जाएंगे और लोअर टाइम फ्रेम में, एंड अगेन यहाँ पे आएगा 15 मिनट। यही स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ इंट्राडे में, कि आपका जो चार्ट है या तो हम डेली देखेंगे सिंपली, या तो हम देखेंगे वीकली। और यहाँ पे अगर क्लियर होता है, देन हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं। ऐसा कभी नहीं है कि 15 मिनट पे देख लिया कि यहाँ यहाँ पे बुलिश है या फिर बियरिश है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप 15 मिनट की बात करते हैं, तो आपके पास मल्टीपल चार्ट्स हैं। आप चलिए केवल आप F100 के ही देखते हैं, तो आपके पास 135 आपके पास 400 हैं। अगर 135 आपके पास हैं, तो आप देखोगे कि जो 15 मिनट का जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होगी, या फिर आप केवल डेली का देखोगे तो वो भी फ्रिक्वेंसी आपकी बहुत ज्यादा होगी, कि जो आपका बुलिश या फिर बियरिश आपको देखने को मिलेगा वो आपको हायर टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा, आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप इतनी ज्यादा कंडीशंस रख देते हैं, तो आपके पास जो आउटकम है वो आपके पास लिमिटेड आता है। जब आपके पास लिमिटेड आता है, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वहां पर वो आपकी हमेशा से मेंटेन रहती है, जो आपकी एक्यूरेसी है वो आपकी बेटर रहती है। यही जो छोटी छोटी चीजें हैं, यही आपके जो चार्ट है उनको बेटर बनाती है हमेशा से। तो सिंपली मैं यहाँ पे केवल यही कहना चाहूंगा कि जो आपका अप्रोच है, अगर आप केवल वन टाइम फ्रेम का केवल आप देखते हो, तो सिंपली अवॉइड कीजिए, वन टाइम फ्रेम का नहीं देखिए। सबसे पहले आप देखिए हायर टाइम फ्रेम की, और हायर टाइम फ्रेम से आप चलिए नीचे की तरफ, और जब आप नीचे की तरफ जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम की तरफ, तो आपका जो एक्यूरेसी, आप हमेशा से आप देखोगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है
वो आपकी बहुत ज्यादा बेटर होती जाएगी, और अपने आप में आपके जो चार्ट्स हैं उनमें जो आप बदलाव पाएंगे वो आपका मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको कितना भी आपको नॉलेज हो या फिर कुछ भी हो, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सिंपली डेली ट्राई कीजिए, 30 मिनट, 15 मिनट, कुछ भी ट्राई कीजिए, एक टाइम लगा लीजिए कि हाँ 15 मिनट करना है या फिर 30 मिनट आपको करना है या फिर 1 आवर करना है, जो भी आपका टाइम है, आपको चार्ट देखना है। अगर आपको चार्ट लर्न करना है, आपको चार्टिंग लर्न करनी है, सिंपली आपको चार्ट देखना है। और जरूरी नहीं है कि आप केवल करेंट टाइम का देखें, आप कोई एक चार्ट भी, आप केवल एक चार्ट एक्सेस करना चाहें ना, तो आप केवल एक चार्ट को स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक कि हाँ यहाँ पे इस टाइप का पैटर्न आया होगा तो आपका यहाँ पे ब्रेकआउट, इस टाइप से जिस टाइप से मैंने गोल्ड का पोस्ट किया ना, इस टाइप से आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका आएगा इस टाइप से तो आप जो आपका जो एक्सपीरियंस है आप ऑटोमेटिकली ले ले रहे हैं। आपको जरूरत नहीं है ना कि आप करंटली में ही देखें। आप अगर जो आपके पास डेटा है, अगर आप उसको और ज्यादा एनालाइज कर सकते हैं, आप उसको और ज्यादा निचोड़ सकते हैं उस डेटा से, आप अपना एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं, तो आपको क्यों वेट करना है आने वाले टाइम के लिए। आप सिंपली जो रिसेंट डेटा है, जो हिस्टोरिकल डेटा है, उसके बेसिस पे चले। जस्ट आप अपने आप में जब क्या कह लो, आप अपने आप को सही से प्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले से चार्ट देख रहे हो और उसके बाद आप चार्ट ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ यहाँ पे ये पैटर्न बना, ये पैटर्न। सिंपली ये है कि रिसेंट डेटा से आप निकालते जाइए और देखते जाइए कि हाँ इस टाइप का डेटा बनेगा या फिर चार्ट पैटर्न बनेगा, तो इस टाइप का जो मूवमेंट है पॉसिबली आपको देखने को मिलेगा, इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो चलिए ये आपका होगा बेसिक, ये एक स्मॉल टिप हुई जो आप फॉलो कर सकते हैं, और इसको फॉलो करेंगे तो आप जो एक स्मॉल स्मॉल, मैं हमेशा ट्राई करूंगा जब भी हमारा इस टाइप का जो चार्ट बुक का वेबिनार होगा, तो स्मॉल स्मॉल टिप आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, और इन्हीं से ही आपकी जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहती है। कभी भी जो आपकी मेजर चीज है उससे, उसको तो आप सिंपली आप लीड कर सकते हैं, मेजर लोग भी जानते हैं फंडामेंटल, उसको मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। मैं हमेशा फोकस करूंगा जो स्मॉल चीज है ना वहां पर, और मैं हमेशा से उन्हीं को फोकस करके ही मैं उसको और बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा चार्ट बुक को। तो यहाँ पे जब आप देखोगे 120 चार्ट बुक है हमारा, बहुत लंबा सफर चला है, और आपका जो न्यू ईयर है वो भी आपका लगा 2021, और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और मैं कामना करता हूँ कि आपका जो एक नया साल है आप सभी के लिए बहुत अच्छा जाए। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, हमेशा से एक जरूरी चीज है क्या ना, कि मैं सिंपली आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कोई भी कॉल मिस बाय सेल किसी भी टाइप का नहीं देता हूँ। जस्ट मैं चार्ट पोस्ट करता हूँ आपके लर्निंग पर्पस के लिए, आप उससे लर्न कर सकते हैं। आप चाहें तो फिर आपका आपका डिसीजन होता है आगे जो भी हो, बट मैं यहाँ पर जो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ ये सिंपली केवल लर्निंग पर्पस के लिए करता हूँ, और यही मेरा एक कोर गोल है कि आप सभी को जो मेरे चार्ट्स हैं उसके हेल्प से आपको एक्सपीरियंस दूँ, उसके हेल्प से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करूँ टेक्निकल बेसिस पे। क्या होता है कि जब हम मार्केट में आते हैं, न्यू आते हैं, तो हमें सिंपली नहीं मालूम रहता, या फिर न्यू जरूरी नहीं है कि आप न्यू हो, आप एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में, एक लॉन्गर टाइम में भी अगर आप मार्केट में हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है उतना ज्यादा बिल्डअप कई बार नहीं हो पाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन मैं क्लासेस भी, यानी कि स्टार्टिंग था तो कोई गाइड करने वाला तो था ही नहीं, तो मैंने ट्राई भी किया यहाँ वहाँ क्लासेस में, तो जो टेक्निकल वो पढ़ा रहा है वही आपको बोल रहा है कि टेक्निकल चार्ट आपके परफेक्टली वर्क नहीं करते हैं। तो इस टाइप समय में मैंने देखा है, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जो आपका टेक्निकल चार्ट है वो आपके परफेक्टली वर्क करते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस, उसके लिए चाहिए आपको जो स्मॉल स्मॉल चीज़ है ना उसको कलेक्ट करना। अगर आप उसको कैच करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो हमेशा मेंटेन रहेगी, और आपका जो चार्ट है वो आपका परफेक्टली वर्क करते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसके बाद आगे चलेंगे। तो ये आपको न्यू ईयर का है, देन इसके बाद आप सिंपली जो चार्जेस हैं वो तो बढ़ा ही दिए हैं, मैंने आप सभी को बोला भी था। और ये चार्जेस केवल आपका जो 150 है केवल इस कारण से ऐड हुए हैं कि जो आपका एजुकेशन टूर है वो आपका स्टार्ट होने वाला है 16 से, तो वो उस टाइप से उस कारण से उसमें थोड़ा सा ऐड किया है।
जस्ट हम नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पे सिंपली जो हमारा टेबल है उसमें चेंज कुछ होने वाला नहीं है, ज्यादा आपका मेजर चेंज कभी नहीं होता। सबसे पहले हम इंडेक्स को देखेंगे, तो इंडेक्स से क्या होता है आपका जो मार्केट का ओवरऑल व्यू है वो हमें बेटर देखने को मिलता है। देन हम ट्राई करेंगे ब्रेकआउट स्टॉक्स की। एंड अगेन मैं वही कहना चाहूंगा जो लास्ट वीक बोला था कि स्टॉक में कोई भी ब्रेकडाउन स्टॉक्स नहीं है मार्केट में। स्टिल अगर हम F&O की बात करते हैं तो ब्रेकडाउन से मतलब होता है बिलो सपोर्ट, ये नहीं कि आपका रेजिस्टेंस रिटर्न आ रहा है, नहीं, बिलो सपोर्ट, सपोर्ट को ब्रेक करने वाले चार्ट प्रेजेंट नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ पॉसिबल वे में कि आपको जो मोस्ट वियरेस्ट चार्ट है वो आपके सामने प्रेजेंट करूँ, बट जब हम देखते हैं वन बाय वन, कहना कि ये ज्यादा कोशिश, ये आपका ज्यादा मेहनत कराता है क्योंकि आपको चाहिए कि ब्रेकडाउन स्टॉक चाहिए और आपको प्रेजेंट है नहीं, तो आपको ट्राई करना पड़ता है मोर एंड मोर की हाँ आपके सामने वो मैं फर्निस कर पाऊँ, आपके सामने वो चीज प्रेजेंट कर पाऊँ, लेकिन उसके बाद भी कई बार नहीं कर पाता हूँ। देन स्टॉक्स टू वॉच, सम स्टॉक्स जो कि आपके बुलिश या फिर बीयरिश फॉर्मेशंस में हैं लेकिन स्टिल जो हमारा क्राइटेरिया है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वो परफेक्टली आपका वहाँ पर नहीं जा पाए, तो उस टाइप से हम जो स्टॉक्स हैं वो शिफ्ट कर देते हैं स्टॉक टू वॉच में। इसी टाइप से आपका कैश स्टॉक, सिंपली आपको मालूम है कि करेंटली जो आपका मार्केट है बेसिकली स्टॉक स्पेसिफिक है, क्योंकि आप देखो कोई रिसेंटली जो आपका इंडेक्स है वो ज्यादा आपका मेजर मूव नहीं दिया है, लेकिन जब आप देखते हो कैश स्टॉक्स की तरफ तो आप देखोगे डेली जो स्टॉक्स है अपर सर्किट इस टाइप से ही चलते हैं या फिर लोअर सर्किट में भी चलता है, क्योंकि आप अगर कैश में ट्रेड कर रहे हैं लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में जाते हैं तो वहां पर जो आपका रिस्क है वो लोअर सर्किट का भी आपका उतना ही होता है जितना कि आपका अपर सर्किट का है। जरूरी नहीं है कि आज अपर सर्किट लिया तो कल अपर सर्किट ही लेके जाएगा या फिर अपसाइड ही जाएगा। आपने देखा कि जो बकरान जी था वो अपर सर्किट लेते लेते लोअर सर्किट में स्टार्ट हो गया, ना निकल पाएगा कोई। हाँ, लेकिन क्या होता है, इसी कारण से बोला जाता है जो ट्रेलिंग है वो भी आपका जरूरी है, इसी कारण से बोला जाता है जो आपका प्रॉफिट बुकिंग है एक माइनर लेवल्स पे हमेशा से करते जाइए, क्योंकि वहां पे क्या होता है एग्जिट भी आपको चाहिए होता है। हमेशा से ऐसा नहीं रहता है कि आपने एंट्री कर ली है और आपने एंट्री ली और एंट्री के बाद आपका स्टॉक भागा, आपका जो स्टॉक था परफेक्टली आपके डायरेक्शन में गया, लेकिन आप देखोगे कई बार क्या होता है कि आपके डायरेक्शन में तो गया लेकिन उसके बाद भी आपने बुक नहीं कर पाया और आप देखोगे जो स्टॉक है वो आपको फाइनली लॉस लेके जाएगा, इस टाइप से होता है। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि जो स्टॉक है एवरी एक पीक पे आप बुक भी कर सकते हैं ऐड भी कर सकते हैं, जो भी आपके मेंटेलिटी हो जो भी आपका ट्रिक हो वो ट्राई कीजिए। बेसिकली मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ कि यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हूँ कि आपको मैं मनी मैनेजमेंट आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, आप सभी मुझसे ज़्यादा बेटर तरीके से मनी मैनेजमेंट जानते होंगे क्योंकि इतनी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। आई कैन रीड बुक्स एंड अदर थिंग्स बट जो एक्सपीरियंस है वो मनी मैनेजमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा मैटर करता है, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। स्टिल मैं ट्राई करता हूँ उसको मैनेज करने का या फिर उसको और ज़्यादा बेटर तरीके से लर्न करने का, बट स्टिल मैं अभी फील करता हूँ कि मैं इतना काबिल तो नहीं हूँ कि आप सभी को मनी मैनेजमेंट बता सकूँ। आप लोग बहुत आगे, आप जो मनी मैनेजमेंट है सिंपली आपका जो डेली मनी मैनेजमेंट है उसको ही आप रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आपकी जो बेटर स्ट्रेटजी है उसको आप यहाँ पे बना सकते हैं। देन उसके बाद आप देखोगे कि जो एंट्री है वो तो मैटर करती है बट जो एग्जिट है वो भी इक्वली उतना ही मैटर करता है जितना कि आपका एंट्री। तो हमेशा जो एग्जिट और एंट्री है वो दोनों के दोनों इक्वल आप बेटर दीजिए। ऐसा कभी नहीं है कि आपने एंट्री लोअर लेवल पे ले ली और एग्जिट है आप वो नहीं कर पाए या फिर आपने एग्जिट थोड़ा ही मूव किया और आप एग्जिट यहाँ पर कर गए, ऐसा नहीं होता है। जस्ट ट्राई कीजिए 10% यहाँ पर कैश का, कैश सबसे ज्यादा फेवरेबल थिंग क्या है कैश में, यू कैन सेल वन स्टॉक और वन स्टॉक बाय, आप एक स्टॉक बाय कर सकते हैं एक स्टॉक सेल कर सकते हैं। और करेंटली मैंने तो ऑलमोस्ट 6 मंथ से एक भी ब्रोकरेज नहीं दी है, सिंगल पेनी भी मैंने ब्रोकरेज नहीं दी है सिंपली, क्योंकि मेरा जो ऑर्डर होता है सिंपली डिलेड भी मिल जाता है और सिंपली जो आपका डिलीवरी है उससे ही एग्जिट होता है। मैं डिलीवरी के अलावा कोई भी ऑर्डर नहीं डालता हूँ सिंपली। और जब आप डिलीवरी की बात करते हैं तो जो हमारे एंजल ब्रोकिंग है सिंपली 0 चार्ज लेता है, तो
इस कारण से मैंने तो बिल्कुल दी ही नहीं। तो इस कारण से वहां पे क्या रहता है, आप एक स्टॉक निकालें चाहे 10 स्टॉक निकालें चाहे आप कितने भी स्टॉक निकालें, आपको बिल्कुल देनी नहीं है। तो आप मल्टीपल ऑर्डर भी आप डाल सकते हैं, वहां पर कोई इशू नहीं है। आपका कोई लिमिटेशन नहीं रहता है कि आपको मिनिमम इतनी ब्रोकरेज देनी है, क्योंकि मिनिमम वहां पे 0 ही है। इस कारण जो एग्जिट एंट्री है वो आपको बहुत ज्यादा बेटर हो चुकी है ये अभी करेंटली ब्रोकरेज प्लान्स के कारण। तो आप यहाँ पे इस टाइप से इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। इसके बाद कमोडिटी, बहुत कम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं कमोडिटी में, और करेंसी में तो और ज्यादा कम ही इंटरेस्टेड है। तो चलिए यहाँ पे हम जब स्टार्ट करेंगे इंडेक्स के बारे में, तो इंडेक्स में मैंने ट्राई किया है मैं मेजर इंडेक्स को ऐड करने का। मेरे पास 8 इंडेक्स हो रहे थे, लेकिन आप जानते ही हैं कि जो हमारा प्लान है यहाँ पे केवल जो भी एक कैटेगरी है वहाँ पे मैक्सिमम 6 हेड ही हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निफ्टी देखेंगे, निफ्टी बैंक जो आपके इंपोर्टेंट है, निफ्टी ऑटो देखेंगे, निफ्टी मेटल देखेंगे, निफ्टी फार्मा देखेंगे एंड निफ्टी मीडिया देखेंगे। यहाँ पर निफ्टी आईटी की जगह नहीं बन पाई, क्योंकि आप देखोगे जो आपका रिसेंट वीक का जो आपका चार्ट था वो परफेक्टली आपका एक्यूरेटली आपका मूव कर रहा है। तो आप लास्ट वीक का जो चार्ट उसको ही आप देख के निफ्टी आईटी का इस वीक का भी काम चला सकते हैं। तो सिंपली मैंने बोला था कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक आईटी आपका भागेगा, और आपने देखा कि ऑलमोस्ट अभी 1 मंथ हो चुका है आपका भागते हुए, स्टिल अभी आपका 10 to 15 days आपके स्टिल रिमेन है। जब तक आपका आएगा फिर ही भागेगा, और पॉसिबिलिटीज है जब आपका रिजल्ट आएगा तो पॉसिबिलिटीज है मे बी वी कैन सी सम ब्रेकडाउंस। मैं अभी से ये पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मे बी बाकी जो भी रहेगा मैं रिजल्ट के आसपास आपको बताता रहूंगा। और मैं सिंपली रिजल्ट ज्यादा नहीं देखता हूँ, मैं जस्ट जो रिजल्ट का स्पाइक है उस टाइम पे मैं ट्राई करता था, बट रेयरली अभी क्या ना कि टाइम नहीं मिल पाता, तो उस टाइम पे मैं ट्रेड पर्सनली भी अभी नहीं करता हूँ। बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है रिजल्ट के टाइम ट्रेड करना, लेकिन ट्रेड इंट्राडे ट्रेड मैंने बहुत लंबे टाइम से छोड़ा हुआ है। सिंपली निफ्टी ऑटो देखें, इसको देखें। अब यहाँ पे हम बात करने वाले निफ्टी डेली चार्ट की। तो आप जब निफ्टी डेली चार्ट को देखोगे तो क्या करता हूँ मैं, सिंपली हर बार जो चार्ट्स है उनको क्लियर करता हूँ, देन अगेन अपने एक न्यू वे से आपका ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। उससे क्या होता है कि जो हमारा व्यू है हमेशा रिफ्रेश होता जाता है। अगर आप देखोगे ये जो ड्रॉइंग है, अगर इसको ही मैं लेके जाता हूँ कई बार आपका ये लंबे टाइम के लिए इसको रोल ओवर करता जाता हूँ, तो आप देखोगे जो मेरा जो व्यू है वो बायस होता जाता है, क्योंकि मैंने एक बार जो लाइन ड्रॉ कर दी अगर मैं उसके बेसिस पे ही आने वाले टाइम में अगर उसको देखूंगा तो कहाँ तक वो सही है ये भी देखने वाली चीज है। इस कारण से जो आपके चार्ट्स हैं तो ऑलमोस्ट 3 month 4 month अगर ओल्ड ड्रॉइंग है आपकी तो उसको क्लियर करके अगर ट्राई कीजिए फॉर्म करने की, तो जो आपका जो चार्ट है वो थोड़ा सा रिफ्रेश भी होगा, आपका जो व्यू है वो आपको और ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी को जब आप देखोगे तो सिंपली यहाँ पर आपका ट्रेड कर रहा है एक असेंडिंग चैनल पैटर्न। असेंडिंग चैनल पैटर्न आप जानते होंगे, और जो भी नहीं है तो वो हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन टूर में सभी के सभी पैटर्न्स को। यहाँ पे जब हम आप बात करेंगे तो यहाँ पे सिंपली एक चीज आप यहाँ पे देख पाओगे, इसको देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एक इनर असेंडिंग चैनल आपको देखने को मिला था। देन अगेन आप देखोगे क्या कुछ इसी टाइप का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो इस टाइप का ही पैटर्न आपको सिंपली देखने को मिल रहा है। और आप देखोगे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिला, क्योंकि ये जो लाइन है ये ऊपर वाली ये जो लाइन है या फिर रेजिस्टेंस लाइन है, और आप यहाँ पे क्या देख रहे हो ये डोजिस थी, देन उसके बाद आपने देखा था 1 day का बिग फॉल। एंड अगेन आप देखोगे कि जो मेजर डोजिस है यहाँ पे भी आपकी बनने को दिख रही है। एंड मैंने आपका अपडेट भी किया था ड्यूरिंग एस्टरडे जब मैं सर्च कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो बेसिकली क्या है कि मेरे माइंड में आया कि जब आप देखो कि मैं यूट्यूब एक्सप्लोर करता रहता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही देखता हूँ यूट्यूब, तो वहाँ पर देखा कि लंदन टॉप भी आपका जो न्यूज़ चैनल वाले हैं नॉर्मल एक थोड़ा सा जो मैं बिलोंग करता हूँ मिडिल इंडिया से, तो यहाँ पे जो बुंदेलखंडी है वो बोली जाती है, तो उसका थोड़ा मिक्सर टाइप का ही न्यूज़ में बताते हैं, तो वो लोग भी आपका स्टॉक मार्केट जब आपका लोकल है जब लोग मार्केट पे बुलिश ज्यादा हो जाए। और आप देखोगे करंटली अगर किसी से पूछोगे तो कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि मार्केट गिरेगा, और यही चीज है। इसके पहले आपने देखा यहां तक तो क्या बोलते थे,
भाई मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, लेकिन जिस दिन यहाँ पे गिर के उसके बाद ऊपर गया, तो स्टिल आप अभी देखोगे मार्केट में नो वन केस से कैन से कि आपका जो मार्केट है वो यहाँ से गिरेगा, बट पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉल ऑल्सो इक्वल इन कंपेरिजन, दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वल है, अपसाइड की भी और आपकी डाउन साइड की भी। हाँ फॉल बिग नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट क्या ना कि जो न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए इतना ही फॉल काफी है बाहर निकालने के लिए, कोई तो इस टाइप से भी हो सकता है, बट स्टिल वी नीड टू वेट फॉर कंफर्मेशन। जब तक कंफर्मेशन नहीं आए, जब तक हम इस टाइप का कभी भी एक प्रिडिक्शन नहीं ले सकते। इसको आप और ज्यादा बेटर तरीके से देखोगे, जो लाइन चार्ट देखोगे तो थोड़ा सा आपको बेटर व्यू देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइन चार्ट भी आपको परफेक्टली यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट देखेंगे 50 मिनट का चार्ट, जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सिंपली आप देखोगे कि एक स्मॉल रेक्टेंगल है जो कि आपका जो डेली मूवमेंट है उसको ट्रैक कर रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे सिंपली एक बिग मूवमेंट नहीं है। बट आप याद कीजिए जिस दिन ये जो फॉल आया था, ये फॉल आया था उसके पहले का जो आपका चार्ट बुक था उसमें क्या मैंने इस टाइप का चार्ट दिया था? मैंने आपको 50 मिनट का भी चार्ट दिया था, वहां पर भी बोला था अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा, और आप जब लेवल्स अगर फॉलो करेंगे, आप लेवल्स को अगर देखेंगे परफेक्टली तो आपको देखने को मिलेगा कि वी आप हमने वो जो ब्रेक डाउन था वो परफेक्टली वहां पर कैच किया था और हमने उसको फॉलो अप भी किया था। यहाँ पे भी आप देखोगे जो लोअर लाइन है ये अगर इसको ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं, और अगर इसको ब्रेक नहीं करता है और आपका जो ऊपर की तरफ लेवल है अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो आप इसी टाइप का जो थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने वाला मूवमेंट है वो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि जो आपका फॉल है वो बिग होगा या फिर किस टाइप का होगा, बट स्टिल वी नीड टू वेट फॉर कंफर्मेशन। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो वी कैन सी ऑलमोस्ट 200 to 300 points फॉल, और अगर नहीं ब्रेक कर पाता है तो वी कैन सी स्मॉल स्मॉल टीनी टीनी मूवमेंट फॉर अपसाइड जो आपका अभी करंटली कंटिन्यू है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक फाइनली एबल टू क्रॉस 31,000 लेवल, एंड दिस वन इज मेजर रेजिस्टेंस लेवल, बिकॉज जब हम यहाँ पे आप देखोगे ये जो लाइंस थी यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लेवल था, और ये इस टाइप का मैंने चार्ट आपका वहाँ पे पोस्ट भी किया था और मैंने बोला भी था कि इस टाइप को जब आप पैटर्न देखेंगे तो ये आपका मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार के बाद आपको अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिला, और अपसाइड के बाद आप देखोगे इसको भी क्रॉस किया, और इसको क्रॉस करने के बाद आप देखोगे क्या हुआ, आपका जो मूवमेंट है स्टिल एक स्टक हो गया है एक रेंज में, मीन्स ब्रेकआउट तो दिया बट ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, स्टिल स्टार्टेड कंसोलिडेशन एंड दिस कैन प्रूव दिस ब्रेकआउट एज अ फेक ब्रेकआउट। बट करेंटली जब हम बात करेंगे तो आपको फेक या फिर हमें इसकी बात नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेंज है और ये रेंज है, ये आपकी मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेंज है अगर हम करेंटली बात करते हैं, तो ये आपका रेंज कहाँ पे है, ये सिंपली आप देखोगे जो हाई है जो आपका ऑल टाइम हाई है ये आपका नाउ रेजिस्टेंस है, मीन्स आपका जो पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल टाइम हाई है स्टिल रिमेनिंग इंटैक्ट इन बैंक निफ्टी। अभी भी आप यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आप ऑल टाइम हाई देख सकते हैं कमिंग डेज में, बट कब, जब आपका 31,000 का जो लेवल है, 31,000 का जो लेवल है अगर वो होल्ड कर पाता है, अगर होल्ड कर पाएगा तो पॉसिबिलिटी आपकी अपसाइड की, अगर होल्ड नहीं करता है तो अगेन बी इंटर इनटू दिस डेंजर जोन, और अगर इसको मैं जोन में इंटर करते हैं और इसको ब्रेक करता है तो आप देख पाओगे डाउन साइड में, और इसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास है 15 मिनट का चार्ट। जब आप 15 मिनट के चार्ट में जब आप देखोगे तो आप देखोगे जो जो आपका चैनल है जो आपका बैंक निफ्टी है सिंपली किस में ट्रेड कर रहा है, एक रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में सिंपली रेक्टेंगल में हमारी जो पोजीशन है ना जो हमने डिस्कस किया है टाइम्स एंड टाइम्स मदरवार वाली वही चीज यहाँ पे सिंपली अप्लाई होती है कि आपको हाई देखना है। जब आप लाइन चार्ट देखोगे ना, क्यों मैं सम टाइम आपको लाइन चार्ट ट्राई करता हूँ या फिर बोलता हूँ कि लाइन चार्ट भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे ये जो हाई है जो इसका कोई मैटर है नहीं, ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं रखता है ज्यादा। जब आप लाइन चार्ट देखोगे तो ये तो आपको दिखेगा भी नहीं, इस कारण मैं कई बार बोलता हूँ कि लाइन चार्ट भी आपको यूज करना चाहिए। यहाँ पे क्या था, लिमिटेशन ऑफ पेजेस था, जो आपके चार्ट बुक है वो 100 पेज से
ज्यादा नहीं हो सकती। और आप देखोगे ये 100 पेज हो चुके थे, इसका मैंने जो लाइन चार्ट है यहाँ पे इसको अलग किया था। अगर लाइन चार्ट अगर अलग नहीं करता तो कोई ना कोई स्टॉक मुझे यहाँ से सेक्रीफाइस करना पड़ता, तो इसका मैंने यहाँ पे अलग किया था। बट आप जब देखोगे तो लाइन चार्ट देखोगे तो कुछ इस टाइप का ही आपको देखने को मिलेगा। ये इनसाइड ही आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा, ये बाहर नहीं जाएगा। और आप देखोगे कि जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है ये वाला लाइन है, मीन्स जो मैं बहुत लंबे टाइम से बोल रहा हूँ कि 31,400 जो आपका लेवल है वो करेंटली रेजिस्टेंस है। और जब हम बात करेंगे 31,000 की तो ये आपका सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो डाउन साइड देखेंगे अकॉर्डिंग टू 15 मिनट चार्ट, और अगर इसको ब्रेक करता है तो वी कैन सी सम पॉसिबल अपसाइड इन मैग्निफ्टी। सो हम यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं। जब हम नेक्स्ट चलेंगे तो निफ्टी ऑटो को देखोगे तो निफ्टी ऑटो सिंपली यहाँ से सपोर्ट लिया है। और आप देखोगे मैं हमेशा से इस टाइप की जो कैंडल्स हैं उनको बहुत सारे टाइम्स को आपको फॉलो करता हूँ। और ये जो कैंडल्स हैं मैं अभी लाइन बना रहा हूँ, इसको जस्ट थोड़ा सा रिमेम्बर कीजिए, और इसके बाद हम जब देखेंगे जब हम एजुकेशन टूर करेंगे तो देन एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। मैं वहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा आपको कि वाई दिस टाइप ऑफ कैंडल्स आपकी मैटर करती हैं, और इस टाइप की जो कैंडल्स हैं हमें क्यों कैच करनी चाहिए, और ये इस टाइप की जो कैंडल्स हैं इनका जो नाम है वो बहुत कम लोग ही लेते हैं या फिर बहुत कम लोग जानते हैं, या फिर आप देखोगे जो बुक्स हैं वहाँ पे भी उतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है इसका इनका एक्सप्लेनेशन। बट आप देखोगे इस टाइप की जो कैंडल्स हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट आपकी डालती हैं जब हम बात करेंगे चार्ट्स पे। और आप यहाँ पे देखोगे जो कंसोलिडेशन है 8,500, और यहाँ पर 9,400 के राउंड आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात होती है कि अगर इसको ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो आप डाउन साइड देखोगे, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो आप अप साइड की तरफ मूवमेंट आप देखोगे, जो पॉसिबिलिटीज है वो आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट मेटल की जब हम बात करेंगे तो मेटल में आपने देखा सिंपली अभी जो रिसेंटली आपका जो रॉक स्टार था लास्ट वीक का, नो डाउट अगर आपने फॉलो किया है थोड़ा भी एफ एंड ओ को तो आप देखोगे कौन सा है सेल। और कहाँ से आता है ये आपका मेटल से, यही चीज मुझे कहाँ पे लेके आई मेटल इंडेक्स की तरफ, देखो तो कि मेटल मेटल इंडेक्स में चल क्या रहा है। जब हम देखेंगे मेटल इंडेक्स में तो दिस इज नियर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कौन सा है ये वाला, और ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ पे 3,300 का। अगर इसको ब्रेक करता है तो वी कैन सी सिंपली अपसाइड टूवर्ड्स 3,500, अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो वी कैन सी अगेन कंसोलिडेशन विद इन दिस रेंज। तो यहाँ पे सिंपली इस टाइप से ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसके बीच में ही आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा अगर ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट नहीं आता है। तो जो पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्रेकआउट है अभी करेंटली उतनी ज़्यादा हायर नहीं है, बिकॉज जब हम देखेंगे कि जो आपका अदर इंडेक्सेस हैं वो भी आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अपसाइड की तरफ। एवरीथिंग इज इनडिसीजन, जब हम बात करेंगे मैग्निफ्टी तो इनडिसीजन है ना आपका अपसाइड की तरफ ना डाउन साइड की तरफ। जब हम बात करेंगे निफ्टी की इनडिसीजन में, जब आप बात करोगे ऑटो की स्टिल बिटवीन आर रेंज, जब हम बात करेंगे निफ्टी मेटेरियल की तो स्टिल बिटवीन आर रेंज। और यहाँ पे भी जब हम बात करेंगे फार्मा की, फार्मा लुकिंग गुड ऑन चार्ट, जब हम बात करेंगे इसकी फार्मा की तो आपका चार्ट अच्छा लग रहा है। बट स्टिल आपका जो थोड़ा सा है यहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो आप देखोगे जो ब्रेकआउट है वो आपको पोल एंड फ्लैग पैटर्न में देखने को मिलेगा। और जब हम देखेंगे इसको कंफर्म करेंगे 15 मिनट चार्ट पे तो यहाँ पर ट्राई किया है, बट आप देखोगे जो ट्राई है वो अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, आप सिंपली देखोगे जो आपके कैंडल्स हैं वो उतनी ज़्यादा लॉन्ग है, कुछ इस टाइप से होना चाहिए था। जो कैंडल है वो आपकी स्ट्रांग बुलिश कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट देता तो जो आपका ब्रेकआउट है वो आपका बेटर ब्रेकआउट होता, जो आपका ब्रेकआउट बहुत परफेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे इतना परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं है, इसका जो आपका ब्रेकआउट है स्टिल आपको वेट करना पड़ेगा अगर ब्रेकआउट देता है तो, आप उसके बाद आगे की हम प्रोसेस कर सकते हैं। देन जो FMCG है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे, जब हम देखेंगे ये डेली चार्ट देख के उतना ज़्यादा बेटर नहीं लगेगा, बट आप देखोगे जब 60 मिनट चार्ट तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो रेजिस्टेंस है
ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, देखो इस टाइप से ये। और अगर इसको ब्रेक कर जाता है मिस, अगर ये स्टॉक ए इंडेक्स अगर इसको ब्रेक कर जाता है मिस, जो हाई है रिसेंट हाई अगर इसको ब्रेक कर जाता है, ऑल टाइम हाई न्यू बनाता है, तो आप देखो कि जो मूवमेंट है वो आपको मेजर अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। और इस टाइप से जब आप एफएमसीजी स्टॉक्स देखोगे तो आपको थोड़ा सा अलग फील देखने को मिलेगा। आप कोलपाल देखिए, आप डाबर देखिए, डाबर आपका लास्ट वीक स्टॉक टू वॉच में था, देन उसने कंफर्म किया हमारे चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट को, मिस रिवर्सल को, और रिवर्सल के बाद आप देखोगे जो स्टॉक है वो परफेक्टली आपका मूव किया आता है। यहाँ पे भी आप देखोगे एफएमसीजी अगर ब्रेक करता है आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट को, तो आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। हमने 30 मिनट ले लिया केवल इंडेक्स का डिस्कशन में ही। अगर कोई क्वेश्चन है इंडेक्स से रिलेटेड तो आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपका बाद में ले लूंगा वो क्वेश्चन। चलिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट ब्रेकआउट स्टॉक्स की। ब्रेकआउट स्टॉक्स में मैं करेंटली आपको मार्केट का एक कंडीशन दिखा देता हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट आपका अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, मार्केट आपका अप है, स्लोली स्लोली अप है, लेकिन क्या है इंडिसीजन कैंडल के साथ। इंडिसीजन कैंडल से मतलब क्योंकि आपके जो कैंडल्स हैं वो ना आपकी बुलिश कैंडल है सिंपली, ना आपकी बियर्स है। जब आप देखोगे मेजर स्टॉक्स पे या पर बहुत सारी जगह पे, तो आप देखोगे आप फाइंड करेंगे कि जो आपकी ब्रेकआउट है फिर ब्रेकडाउन मीन्स जो कैंडल्स हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं डोजी कैंडल्स। डोजी कैंडल्स वो भी किसके साथ, लो वॉल्यूम। पूरी मार्केट में ही आपका जो वॉल्यूम है वो लो है, वॉल्यूम कहीं पे है ही नहीं। मिस आपका जो डिसीजन है, आपका जो वन साइडेड मूवमेंट है वो आपका उतना ज्यादा, आप ये नहीं बोल सकते थर्ड के साथ कि आपका जो फिफ्थ के साथ नहीं बोल सकते कि आपका जो मूवमेंट है इस टाइप इस साइड ही जाएगा इस साइड जाएगा, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वो तो है ही नहीं। मिस सिंपली आपको सिंपली आपको मालूम है कि जो प्राइस है डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। अगर डिमांड एंड सप्लाई में अगर आपका वॉल्यूम नहीं है तो जो प्राइस मैनिपुलेशन है वो आपका हायर में रहता है, हायर साइड रहता है, जो मैनिपुलेशन वो इजीली आपका हो सकता है। तो सिंपली आपको यही है कि आपका जो वॉल्यूम है अगर वहां पर नहीं है तो जो आपकी जो प्राइस मूवमेंट है उस पर हम उतना ज्यादा फिट नहीं करते हैं, सिंपली है। इसके अलावा आपका जो स्टॉक्स है एक कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। आप देखोगे जो मेजर स्टॉक्स हैं वो आप देखोगे 15 मिनट चार्ट पे, तो आप देखोगे जो रेक्टेंगल फॉर्मेशन है या फिर थोड़ा सा अपसाइड या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ, इस टाइप से पूरे के पूरे पैटर्न में ही आपको 15 मिनट चार्ट देखने को मिलेगा, ना आपका नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। तो क्या करें, ये सिंपली यहाँ पर बेट केवल ऑप्शन है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। या तो कोई स्टॉक स्पेसिफिक जाइए कि हाँ ये आपका स्टॉक है ये आपका बेटर लगेगा, या फिर इस टाइप से आप वहां पे जा सकते हैं। यहाँ पे जब हम बात करेंगे डिस्कशन का, तो सबसे पहले हम लेंगे आइडिया को। तो आइडिया को जब आप देखोगे तो आइडिया को फाइंड करेंगे आप कि जो फॉर्मेशन है आपको देखने को मिला है कप एंड हैंडल। और हैंडल आप मिस कप आप मैक्सिमम टाइम किस हैंड से पकड़ते हैं, राइट। इस कारण से आप देखोगे जो हैंडल है वो आपका राइट साइड ही रहता है। आप अगर बोलें कि आप लेफ्टी हैं और आपका जो हैंडल इस साइड रहेगा, नहीं, आप देखो कप एंड हैंडल है वो आपका राइट साइड ही रहेगा, सॉरी राइट साइड ही आपका यहाँ पे रहेगा। और आप देखोगे यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो आपको देखने को मिला, और ये जो चार्ट है मैंने इंट्राडे में आपको वहां पे पोस्ट किया भी था। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, आपका जो वॉल्यूम है स्टिल वो आपका कन्फर्म कर रहा है, तो जो आपका ब्रेकआउट है वो पॉसिबली आपका गुड है। बट यहाँ पे थोड़ा सा इशू की बात क्या है कि आपका जो मोमेंट है जो आपका ब्रेकआउट है वो आया है थोड़ा सा डाउन साइड के बाद। मीन्स जो आपका कमेंट हैंडल है बेसिकली आपको फॉर्म होना चाहिए अप ट्रेंड में, बट थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ही आपका ब्रेकआउट हो रहा है, उतने ज्यादा वीकनेस की बात है नहीं। और यहाँ से हम पॉसिबली जो आपका अपसाइड की तरफ मूवमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो वी कैन सी न्यू हायर साइड, और आपका जो सपोर्ट रहेगा यहाँ पे अराउंड रहेगा 10 के अराउंड। आप इस टाइप से जो पैटर्न है इसको आप देख सकते हो सिंपली। इसके बाद हम जब नेक्स्ट देखेंगे BHEL, तो BHEL अगेन दिस इज कप एंड हैंडल पैटर्न। जब आप कप एंड हैंडल पैटर्न देखेंगे तो अगेन ये आपका राइट साइड साइड आपका हैंडल है, और आप देखोगे यहाँ पे जो वॉल्यूम है आप देखो रिसेंट बार से यहाँ पे जो वॉल्यूम है आपको हायर देखने को मिली है, और हायर कैंड वॉल्यूम कहाँ पे देखने को मिली है,
ये आपकी अप ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में अगर आपको हायर साइड में आपको वॉल्यूम देखने को मिली है, तो जो आपका अप ट्रेंड का जो मूवमेंट है वहां पर इंटरेस्टेड है लोग आपके जो स्टॉक की जो प्राइस है उसको हायर साइड में ले जाने के लिए। और आप देखोगे यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो आपको देखने को मिला है, जो पॉसिबिलिटीज वो यहाँ तक के अराउंड हो सकती है, और आपका जो सपोर्ट है यहाँ पे आपका हो सकता है। नेक्स्ट जब हम चलेंगे तो फेडरल बैंक मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि आप देखोगे जो स्टॉक्स हैं इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं हमने कौन कौन से देखे, हमने देखे इंडसइंड बैंक देखा है, हमने कैनरा बैंक देखा है, हमने देखा है बैंक ऑफ बड़ौदा, इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं हमने कैच किए हैं लाइव मार्केट में ही कैच किए, मिस हमारा जो चार्ट बुक है उस टाइम में ही हमने कैच किए और परफेक्टली यहाँ पे कैच किए हैं। और हमने क्या देखा है उनमें सब में कॉमन क्या था, ये कंसोलिडेशन। अगर इस टाइप का कंसोलिडेशन होता है, इसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है या फिर इसके बाद अगर मूवमेंट आएगा, जो आपका मूवमेंट है वो आपका हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहेगा। बट यहाँ पर थोड़ी सी आपके पास एक बेटिंग कंडीशन है कि आपको ब्रेक करते हुए देखना चाहिए 70 का लेवल अराउंड, या फिर 70 या फिर 69 आप देख सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है, इसको सस्टेन करता है, वी कैन से हैव अपसाइड। बट यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम क्या है, दिस हुआ कि आपका जो वॉल्यूम है स्टॉक तो हाई जा रहा है बट आपका जो वॉल्यूम स्टिल यहाँ पे वीक है, तो अगर ब्रेकआउट देता भी तो वहाँ पे जो वॉल्यूम स्पाइक है वो हमें देखनी चाहिए। और अगर नहीं भी है अगर स्पाइक, तो जो आपकी जो कंडीशन है, जैसे आप 100% के साथ जाते हैं किसी भी स्टॉक में, अगर आपका जो वॉल्यूम आपके जो फेवर में अगर ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ पर सिंपली ये है कि आपके वाले यहाँ पर 33% के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जो पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस ब्रेकआउट है, जो फेलियर की जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी हायर साइड में आपकी रहेगी। इस कारण जो आपकी जो फंड है या फिर जो आपका जो पोजिशन है, जो आपकी आप स्ट्रेंथ है कि आप इतना उठा सकते हैं, वो आप कम कर दीजिए सिंपली, आपका जो रिस्क है वो अपने आप कम हो जाएगा। आपको ये नहीं देखना है कि आपको ज़्यादा बाय करके आपको ज़्यादा की तरफ दौड़ना है, ऐसा नहीं है। आपको अगर वॉल्यूम नहीं है, आपका कन्फर्मेशन नहीं है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम, मजाक नहीं, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी हमेशा से रहती है। देन इसके बाद हम देखेंगे आई टी सी एट ब्रेकआउट। जब हम बात करेंगे आई टी सी को, तो आई टी सी ब्रेकआउट पर आई टी सी में एक और चीज़ अच्छी है कि आपका जो कैंडल है, ये जो कैंडल है वो आपकी बुलिस मारू वो जो है ही। इसके अलावा आप देखोगे हमने FMCG का डिस्कशन किया भी कि आपका जो इंडेक्स है नियर मेजर ब्रेकआउट लेवल है, अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको अपसाइड देखने को मिलेगी, लेकिन अगेन वॉल्यूम इज मिसिंग। और उसके बाद भी मुझे ऐड करना पड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो मार्केट है करेंटली वहाँ पर वॉल्यूम वाले जो स्टॉक्स हैं वो बेसिकली अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे जब हम देखेंगे थोड़ा सा हायर मीन्स लोअर टाइम फ्रेम में, तो आप देखोगे जो बेटर मूवमेंट है आप यहाँ पे देख पाओगे, और यहाँ पे आप देखोगे ये आपका ब्रेकआउट है, और आप देखोगे जो मूवमेंट है आप यहाँ तक आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ देख पाओगे। और मैंने वहाँ पे भी मेंशन किया है, और आपको सिंपली मालूम है कि अगर वॉल्यूम कम है तो आपको क्या करना है। इसके अलावा SBIN वन मोर स्टॉक जो कि आपका वॉल्यूम से नीचे जा रही है, आपका जो स्टॉक अपसाइड की तरफ जा रहा है, जो आपका ट्रेंड है स्टिल आपका वीक है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। बट वॉल्यूम अगर नहीं है तो आपको मालूम क्या करना है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको सिंपली जो पोजिशन है वो आपको कम लेनी है। आपको सिंपली यही देखना है कि आप केवल चेक कर रहे हैं सामने वाले को पैसे दे के, लेकिन कितना पैसा देना जिसमें आपका लॉस ना हो ज़्यादा, बस वही है। इसके अलावा आप देखोगे जो ब्रेकआउट है वो आपका बुलिश मारो वो जो बनाया है, और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आप यहाँ तक और यहाँ तक आप मूवमेंट देख सकते हैं, और जो आपका सपोर्ट रहेगा अराउंड यहाँ पे रहेगा। देन एक स्टॉक में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, टाटा मोटर्स। और यहाँ पे आप देखोगे जो स्टॉक का जो चार्ट है वो कौन सा है, बिगली। यहाँ पे आप सिंपली क्या देख पा रहे होंगे, ये जो बार है ना इनको आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आप बार देख रहे हो तो सिंपली क्या देख पा रहे हो कि जो बार है किस रेंज में बने हैं सभी के सभी ज्यादा, ये आपका 200 टू दिस 63
यहाँ पे इसके बीच में इतना ज्यादा कंसोलिडेशन, इतना ज्यादा एक्युमुलेशन, ये बहुत बड़ी बात है। इसके पहले आप देखो क्या था, कोई वॉल्यूम नहीं था इतनी ज्यादा, कुछ भी नहीं था। बट आप जब देखोगे इस रेंज में आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिली है। तो वीकली जब हम बात करेंगे कि क्या स्टॉक अभी बुलिश है, हाँ यहाँ पे आपका ब्रेकआउट दिया है, आपका जो 120 है अगर यहाँ पे आसपास आता है कुछ इस टाइप से, तो आपको इस टाइप से मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट क्या यहाँ पे कोई न्यू पॉइंट बनती है, या फिर टेक्निकली क्या यहाँ पे चार्ट बोलता है कि ये बुलिश है, या फिर क्या कर सकते हैं? ये सिंपली थोड़ा सा बोलता है कि थोड़ा वेट कीजिए, और वेट करने के बाद क्या देखिए कि आपका जो स्टॉक है क्या 200 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज हो पाता है। अगर हाँ हो पाता है तो दिस कैन बी ए स्टॉक जो कि हम लॉन्ग टाइम के लिए जा सकते हैं। और जब आप देखोगे जो फंडामेंटल वीकेंसी की जो आपका इम्प्रूव है फंडामेंटल में, उसमें भी आपको देखने को मिला है। बाकी आप जो फंडामेंटल जो भी हो तो आप देख सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे टेक्निकल बात कर रहा हूँ, लेकिन जब हम वीकली की बात करेंगे या फिर एक लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करेंगे, मीन 6 मंथ के ऊपर जब बात करते हैं, तो वहाँ पे जो फंडामेंटल है वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। लेकिन 6 मंथ के पहले अगर हम बात करते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में, तो वहाँ पे फंडामेंटल बिल्कुल भी हम देखते नहीं है, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा जब हम डेली चार्ट पे देखेंगे, तो डेली चार्ट पे आप क्या देखोगे, जो आपका स्टॉक है यहाँ पे मूव किया, लेकिन यहाँ पे आपका अटक रहा है, और अटकने के बाद यहाँ तो अटकेगा ही अटकेगा, इसके बाद आपका कहाँ पे अटकेगा, यहाँ। तो आप इस टाइप से देख सकते हो जो लेवल्स मूवमेंट। आप ब्रेकआउट स्टॉक्स पे भी क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, जो भी स्टॉक्स के जो क्वेश्चन ही रहेंगे या फिर कुछ भी रहेगा वो मैं एट द एंड ऑफ आपका वो सभी को डिस्कस कर लूंगा। इसके बाद हम बात करेंगे कोल इंडिया की, मीन्स ब्रेकडाउन स्टॉक की। तो मैंने सिंपली आपको एक्सप्लेन किया है कि जो आपके स्टॉक्स हैं वो आपके ब्रेकडाउन पर नहीं है। यहाँ पर मैंने बहुत ट्राई किया है जो आपके थोड़े बहुत पोटेंशियली वीरस स्टॉक्स हैं उनको ऐड करने का। यहाँ पे स्टिल जो स्टॉक्स हैं वो ब्रेकडाउन पे नहीं है। ब्रेकडाउन कब होगा, जब यहाँ पे जो हमने लेवल जो चार्ट फॉर्म किया है यहाँ पे देखेंगे उसको, अगर ब्रेक करता है तो। लास्ट वीक भी कोल इंडिया आपके चार्ट में था, डेली चार्ट मैंने वहाँ पे मेंशन किया था, बट आपने देखा जो मूवमेंट है वो वहीं के वहीं रह गया, और हमारे जो मंसूबे हैं वो वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाए नीचे की तरफ देखने में। अब क्या किया है चार्ट ने, अब किया है कि यहाँ पे फॉर्म किया है एक सपोर्ट। सपोर्ट वो भी क्या, देखो इस टाइप की कैंडल जब बनती है, डोजी स्टार्स बनते हैं, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है चार्ट। ये आपको बोर बोर करने वाले स्टॉक्स होते हैं, मीन मोमेंट होता है जब आप देखोगे किसी से भी बोलोगे तो ये बहुत ज्यादा बोर करने वाला होता है, बट ये शांति है तूफान आने के पहले। ये तूफान आपका अपसाइड की तरफ भी हो सकता है, बीरे साइड की तरफ हो सकता है, बट यहाँ पे जो चांसेस हैं वो हम लेके थोड़े से ज्यादा चलेंगे बीरे साइड की। और यहाँ पे जो आपका सपोर्ट है 134 है, अगर 134 को अगर ब्रेक करता है तो वी कैन सी 130, और 130 को अगर ब्रेक करता है तो हम थोड़े से और ज्यादा इंची की तरफ मूवमेंट को देख सकते हैं। सिंपली स्ट्राइक से आप डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देख पाएंगे। देन कोल इंडिया के बाद हम बात करने वाले हैं गोजेस सेबी की। गोजेस सेबी जब हम बात करेंगे तो इसको मैंने टेंस एंड टेंस आपका स्टॉक टू वॉच में भी आपका ऐड किया है, बट वहां पे क्या किया गया है, वहां पे क्या बोला गया है, सिंपली रेक्टेंगल का फॉर्मेशन है, स्टिल वीकेंसी ट्रेडिंग बिटवीन दिस रेंज, और अगर आपका ब्रेकआउट देता है मेजर तो आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा, पर डाउन साइड। तो यहाँ पे आप देखोगे जो अपसाइड है वहां पे फॉर्मेशन हुआ, आपको वहां पे आसपास गया, बट आप देखोगे क्या हुआ, आपने देखा बीरस एंगल फिन पैटर्न आपका बंद हुआ, और बीरस एंगल फिन यहाँ पे बना है, बट क्या हुआ कि बीरस एंगल फिन कब कंफर्म करता है, जब बीरस एंगल फिन का सपोर्ट ब्रेक कर जाए, मिस लो ब्रेक कर जाए। तो लो सिंपली क्या है, 730, 730 के बाद आपका जो मिडिल लाइन ये भी आपकी यहाँ पे, अगर इसको ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देख पाएंगे, इस टाइप से आप इसको देख पाएंगे। गोदरेज सीपी के बाद हम बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक परफेक्टली हमारे चार्ट बुक के अकॉर्डिंग मूव किया था 118वें एडिशन में, और यहाँ पे हम अगेन देखेंगे इसको, स्टॉक को लेके आए हैं। क्यों, क्योंकि आप देखोगे ये जो कंसोलिडेशन था इसके बाद आपको फॉल देखने को मिला, आपको फॉल देखने को मिला, मिस यहाँ पे क्या था, सेलिंग वाले लोग थे,
यहां पे क्या था, ये सपोर्ट था, ये आपका सपोर्ट था। अब सपोर्ट क्या होता है, कन्वर्ट हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो ही गया। अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होने के बाद क्या कर रहा है स्टॉक, कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन कर रहा है तो अब डेली चार्ट पे तो हमारे समझ से बाहर रहा, डोजी बना रहा है। तो चलिए माना कि इनडिसीजन है चार्ट में, तो क्या करना है आपको, सिंपली जो लोअर टाइम फ्रेम है, जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है, उसको हमें देखना है। आप यहाँ पे आप देखो कि 50 मिनट का जब जब चार्ट देखोगे तो क्या देखने को मिला है, कितने प्यारे प्यारे से डोजी स्टार्स हैं यहाँ पर, जो आपका जो टिनी टिनी कैंडल्स है वो आपको देखने को मिल रहा है, और जो ट्रेडिंग है बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे आप देखोगे जो मूवमेंट है, अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा, या इसको ब्रेक करता है तो आप साइड भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट जो हमारा बेट है वो आपका डाउन साइड की तरफ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो एक और आप डिसीजन देख सकते हो, सिंपली मदरवार। मदरवार ने क्या किया, सिंपली इसने पूरा का पूरा कंट्रोल होल्ड करके रखा है स्टॉक के ऊपर। अगर इसका लो ब्रेक करता है डाउन, इसको हाई ब्रेक करता है तो आप कोई टेंशन नहीं है। इस टाइप से भी आप जो अगर आप अपनी स्ट्रेटजी उसको और ज्यादा क्लियर बनाना चाहते हैं तो आप देख सकते हो। देन अगेन हम देखेंगे VDL। VDL जो मूवमेंट है, आप कैंडल देखो, एक कैंडल किस दिन थी, जब कैरेन इंडिया का, कैरेन इंडिया ने आपका केस बिन किया था। और केस कैरेन इंडिया ने केस बिन किया तो क्यों इतने ज्यादा ये लोग खुश हो रहे हैं, क्योंकि कैरेन इंडिया को इन लोगों ने बाय किया था। अब इन लोगों ने जब बाय कर लिया है तो आप देखोगे जो मूवमेंट है, इन लोगों ने बाय कर लिया, न्यूज आउट हो चुकी है, तो क्या देखने को मिला, ये जो वॉल्यूम है उसके बाद आपका हाफ वॉल्यूम तो बुलिस वाला है, बट ये वॉल्यूम क्या है, ये तो सेल देखने को मिला। तो आप वॉल्यूम आपका बुलिस है, आप वॉल्यूम आपका बीरस का है, तो क्या आपको यहाँ पे जीरो पोजिशन आपको देखने को मिली। यहाँ पर कोई आंसर नहीं है कि आप बुलिस साइड की बात करें, ये वॉल्यूम था, या फिर बीरस साइड की। अब स्टिल क्या देखने को मिला, ट्रेडिंग विद मी दिस मदरवार। अगर मदरवार के बीच में आपका ट्रेडिंग देखने को मिल रही है तो ये जो सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करता है तो आप देखोगे जो मूवमेंट है आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगा, बट ओनली जब आपका ब्रेक करेगा सपोर्ट तो ही। BDL के बाद हम बात करने में अल्ट्राटेक। तो अल्ट्राटेक जब आप बात करोगे कि जो सीमेंट है वो सभी के सभी मूव किए, आपका रैम को था वो भी आपका सपोर्ट ब्रेक ही नहीं कर पाया, स्टिल वहीं पे उसी की रेंज में आपका ट्रेड कर रहा है। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे तो स्टॉक ने क्या बनाया है, डार्क क्लाउड, डार्क क्लाउड बनाया है। तो क्या अल्ट्राटेक का भविष्य भी डार्क होगा, अगर आपको चाहिए कि इसका भविष्य डार्क हो तो आपको चाहिए कि ये जो ब्रेक है, ये जो लेवल है, यहाँ पे 5200 के राउंड आएगा, ये ले जो लेवल है यहाँ पर 5150 के राउंड होगा, मैंने मेंशन किया होगा सिंपली, हाँ 5200 के राउंड। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप देखोगे जो मूवमेंट है आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगी, और वो आपकी होगी नेक्स्ट यहाँ पे जो यहाँ पे जो सपोर्ट है उसके आसपास, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है मेरी टीम के एक और मेंबर ने शंख अग्रवाल ने, ये आपका जो ये नंबर्स हैं वो सभी के सभी बोल्ड किए हैं, और ये आपको हेल्प करेंगे बेटर व्यू आपको देखने में। अब इसके बाद अल्ट्राटेक के बाद हम बात करने वाले स्टॉक टू वॉच में, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कम डिस्कस करेंगे हम चलेंगे। यहाँ पे अगर क्वेश्चन है आपका ब्रेक डाउन स्टॉक्स से तो आप पोस्ट कर सकते हैं, वो हम क्वेश्चन लास्ट में ले लेंगे। जब हम बात करेंगे डॉक्टर रेड्डी की, तो डॉक्टर रेड्डी आपका थोड़ा बहुत मूव किया है अपसाइड की तरफ हमारे रिसेंट चार्ट्स के अकॉर्डिंग, बट करेंटली आप देखोगे कि जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है नियर रेजिस्टेंस, एक मेजर रेजिस्टेंस आपका उसके पास में ट्रेड कर रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वी कैन सी मेजर अपसाइड। और आप बात करेंगे कि बहुत सारे स्टॉक इसका जो पैटर्न है वो क्या बोल सकते हैं, सिंपली आप चाहो
तो इसको आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी आप बोल सकते हैं। किसी में कोई इसको कैंसिल नहीं कर सकता, सिंपली मैं केवल इतना बोल सकता हूँ। इसके अलावा जब हम बात करेंगे एनएमडीसी, एनएमडीसी मैंने ऐड किया है ऑन द थीम ऑफ सेल। सेल जब हमने देखा, सेल को देखा है तो आप देखोगे कि आपका इस टाइप का पैटर्न का आपका ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे आप देखोगे जो स्टॉक है एक मेजर रेजिस्टेंस के पास में है और यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला है, और यहाँ पे अगर ब्रेक करता है इसको तो आप देखोगे जो अपसाइड है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर ब्रेक नहीं करता है तो आप यहीं पर पूरे का पूरा मूवमेंट देख पाएंगे। एंड यहाँ पे ब्रिटानिया, ब्रिटानिया ने क्या किया है, आपका जो मदरवार है, मदरवार कौन सी है यहाँ पे, ये इसके बिटवीन ही आपको पूरा का पूरा ट्रेडिंग देखने को मिला है। अगर मदरवार को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आप देखोगे डाउन साइड की तरफ मूवमेंट, अगर इसको ब्रेक करता है तो अप साइड की तरफ मूवमेंट देख पाएंगे। अगर इसके बीच में ही अगर चलता है तो आप उतना ज़्यादा नहीं देख पाओगे। एंड इम्बाम्बे, ये मैंने आपका फ्राइडे के दिन ग्रुप में पोस्ट किया था कि आपका न्यू लेटर में होगा, तो आप देख पाओगे कि अगर आप चाहोगे लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे ये आपका कैपिटल हैंडल बन जाएगा। अगर आप हायर थोड़ा सा और टाइम ज़्यादा लोगे तो आप देखोगे ये जो ब्रेकआउट है वो आपका डिसेंडिंग चैनल पैटर्न में, वो भी आपका वॉल्यूम के साथ, बट वॉल्यूम के साथ है तो यहाँ पे थोड़ा सा ही, अभी हमने क्या देखा है BEDL को कि थोड़ा सा ऊपर सेलिंग भी आई, तो जो पॉसिबिलिटी है जो आपके जो मोमेंट की वो उतनी ज़्यादा हायर नहीं है। यही रीजन केवल इतनी जो कैंडल है ना, इसने ही केवल इस स्टॉक को बाहर उठा कर फेंका है आपका कैश ब्रेकआउट स्टॉक से। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें इसको अवॉइड करने के लिए, ये जो हाई है यहाँ पे ब्रेकआउट को देखना पड़ेगा। अगर इसका जो हाई है इसको ब्रेक करता है तो ही हम अपसाइड की तरफ मूवमेंट को लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं। क्या पैटर्न बोलता है, क्या आपका वॉल्यूम कह रहा है, हमें नहीं करना है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो आपका उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगा जितना कि होना चाहिए। देन इसके बाद मैंगलोर केमिकल, मैंगलोर केमिकल को जब आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। ये भी आपका मल्टी टाइम ब्रेकआउट है और यहाँ पे आप देखोगे जो वॉल्यूम है वो भी आपको हैवी देखने को मिलेगी। और आप यहाँ पे देखोगे जो ब्रेकआउट है वो पोटेंशियली आपका स्ट्रॉन्ग है, और आप देखोगे जो मूवमेंट है आप यहाँ पे और यहाँ पर भी आप इस टाइप से देख सकते हैं। सपोर्ट आपका यहाँ पर इसके आसपास रहेगा, जो भी लेवल्स हैं वो सिंपली आपके मेंशन हैं। और आप देखोगे क्योंकि मैंने इसको और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए क्या किया, लाइन चार्ट भी मैंने ऐड किया है जिससे आपके जो व्यू है वो और ज़्यादा क्लियर आपको देखने को मिले। अभी इसके बाद हम देखेंगे बीनस रैम। यहाँ पे आप जब देखोगे कि जो ब्रेकआउट है, सिंपली मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जो स्टॉक है सिंपली अपर सर्किट और लोअर सर्किट में मूव करता है, तो यही है। आप जैसे ऑप्शन में जाते ना कि जीरो की जीरो भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि जीरो भी हो सकता है। उतना तो नहीं होगा, बट लोअर सर्किट अपर सर्किट रहता है, जब लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होता है तो जो पॉसिबिलिटी है एग्जिट की वो भी आपकी वहाँ पर एंड हो जाती है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पर ऐड किया है तो आप देखोगे जो ब्रेकआउट है वो आपको पोल एंड फ्लैग में आपको देखने को मिला है, जो पॉसिबिलिटी है मूवमेंट की वो आप यहाँ पर तलाश सकते हैं, और यहाँ पर वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन थोड़ा सा है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले कैश स्टॉक्स की। कैश स्टॉक्स में सबसे पहले TVZ जो कि हमारा रिसेंटली BTST में भी था, वहाँ पर भी चार्ट को फॉलोअप किया है, स्टिल हमारा यहाँ पर प्लेस बनाने में कामयाब हुआ है। और यहाँ पर जब हम बात करेंगे स्टार सीमेंट, हमने क्या किया है ये एक स्टॉक को ऐड किया है सीमेंट का बियर साइड में, बट यहाँ पे क्या किया स्टार सीमेंट ITD सीमेंट को, दो को हमने यहाँ पे ऐड किया है पुलिस साइड में, भारत वाय एंड टिन प्लेट। जब आप देखोगे सीमेंट स्टॉक के मीन सीमेंट सेक्टर की तरफ आप जब देखोगे तो जो मेजर बिग प्लेयर्स हैं वो आपके मूव किए, आप देखोगे ACC को, आप देखोगे रैमको सीमेंट को, आप देखोगे अल्ट्राटेक को, आप देखोगे अंबुजा को, तो ऑल सभी ने आपका ऑल टाइम हाई बनाया है। और इस टाइप से आपका जो मूवमेंट है आपको देखने को मिला है, जब लेकिन जब आप देखोगे स्मॉल प्लेयर्स को वो स्टिल उतने ज्यादा
सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो सेक्टर है इसको, इसके जो हमने बात की वो थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा। जब हम टीवीएजेस की बात करेंगे तो टीवीजेड सिंपली हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ये यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद क्या किया, स्टॉक भागा 55 से आपका 65 हो गया, ये 55 से आपका 65 हो गया, बट स्टिल ये आपका थोड़ा सा डिस्टेंस है आप बचा हुआ है। वो डिस्टेंस कहाँ पे, 70 के अराउंड। अगर 70 को भी अगर सक्सेसफुली यहाँ पे क्रॉस कर पाता है तो आप अपसाइड करने में देख पाएंगे। टीवी जेट के बाद हम बात करेंगे स्टार सीमेंट की। तो स्टार सीमेंट जब आप लाइन चार्ट देखोगे तो आप बेटर तरीके से आप फाइंड कर पाएंगे कि जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन इसके बाद आपको फाइनली क्या देखने को मिला है कि सब कंसोलिडेशन है उसको क्रॉस कर पाया स्टॉक यहाँ पर, और क्रॉस कर पाया विथ 3 बिग वॉल्यूम बार्स। बट स्टिल थोड़ा सा जो वीकनेस वो आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी, ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, बट आप देखोगे जो सीमेंट में अगर हम इस टाइप से देखोगे तो ये जो मूवमेंट है आप सबसे पहले 112 के अराउंड भी देख सकते हो और 122 के अराउंड भी आप देख सकते हो, और जो सपोर्ट है यहाँ पे 90 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। जो रेंज है उतनी ज़्यादा बड़ी है नहीं तो आप वहाँ पर देख पाओगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम देखेंगे ITD सीमेंट, यहाँ पे अगेन आपको देखने वाली चीज़ है वीकली चार्ट। सबसे पहले क्या ऐड किया है, बिकली चार्ट, और बिकली चार्ट आप जब देखोगे तो जो हमने डिस्कशन किया है टाटा मोटर्स को उसको रिपीट कर लो सिंपली। ये जो रेंज है, रेंज यहाँ पर चेंज रहेगी, टाटा मोटर्स वाली तो होगी नहीं, 67 to 26 को तो यही है थोड़ा सा। यहाँ पे जब हम रेंज अगर क्रिएट करेंगे अगर यहाँ पे तो थोड़ा सा आप देखोगे 40 के राउंड, तो मीन्स 40 से लेके यहाँ तक मीन 30 पॉइंट के राउंड में ये आपको पूरा का पूरा मूवमेंट, आपको मेजर मूवमेंट आपको देखने को मिला है, और मेजर मूवमेंट तो देखने को मिला है। बट जब आप वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो आप क्या यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, सिंपली यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो कंसोलिडेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा हैवी है, जो एक्यूमुलेशन है पॉसिबली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवीली आपका यहाँ पे हो रहा है। और अगर यहाँ पे जो स्टॉक है 67 को अगर क्रॉस कर पाता है, इसके ऊपर अगर सस्टेन हो पाता है तो आप देखोगे जो मूवमेंट है पॉसिबली आप देख पाओगे 1110 एंड 130 के राउंड भी आप देख पाओगे। जो आपका सपोर्ट रहेगा वो आपका सपोर्ट रहेगा अराउंड यहाँ पे 55 के अराउंड, बिकली चार्ट के बेसिस जब आपको बिकली चार्ट तो इतना आपका सपोर्ट बनता है। और ITD लेकिन जब हम डेली पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको चाहिए थोड़ा सा कंफर्मेशन 70 के ऊपर सस्टेन होने का। अगर 70 के ऊपर सस्टेन होता है तो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वीकली चार्ट में वो आपको पॉसिबली होते हुए देखने को मिलेंगे। देन वन मोर स्टॉक फ्रॉम अवर डेली आउटलुक, भारत वायर। स्टॉक मैंने ऐड किया था, सॉरी यहाँ पर गलती हुई है, ये आपका डेली नहीं है, ये आपका वीकली है, पर मैंने यहाँ पर डेली लग दिया और ये आपका वीकली नहीं है, ये आपका डेली ही है, तो ये थोड़ी सी गलती हो चुकी है। यहाँ पर जब आप देखोगे भारत वायर को तो ये सिंपली मूव किया है हमारे डेली आउटलुक के बाद अपीयरेंस में, और यहाँ पे आप देखोगे जो कंसोलिडेशन वो थोड़ा सा हायर तो है बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि आपका होना चाहिए। लेकिन करेंटली जो स्टॉक है वो आपका ब्रेकआउट के ऊपर है, 35 आपका ब्रेकआउट लेवल था, तो यहाँ से आप जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी आपकी बनती है 60 के अराउंड तक, जो आपका सपोर्ट रहेगा अराउंड यहाँ पे रहेगा, वही है ज़्यादा लोअर साइड में रहेगा 20 के अराउंड। आप इस टाइप से यहाँ पे देख सकेंगे और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ आपको बेटर व्यू देखने को मिलता है, ये आपका 25 के अराउंड आपका सपोर्ट है, और जो मूवमेंट है यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस टाइप से है, और आप देखोगे जो मूवमेंट मे बी कैरी वो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड वन मोर स्टॉक जो आपका टिन प्लेट है, यहाँ पे भी आप सबसे पहले देखेंगे बिकली चार्ट को। बिकली चार्ट आप देखो जो स्टॉक है अपसाइड की तरफ यहाँ पे गया है, वॉल्यूम आपको हैवी देखने को मिली है, और अगेन जो स्टॉक है ब्रेकआउट कैंडल है यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम देखने को मिला है, और यहाँ पे भी आपको
जो कैंडल है वो आपके फेवरेबल है, बुलिश कैंडल आपको देखने को मिली है, ठीक है। आप जो पॉसिबिलिटीज वो आपके बुलिश साइड ज़्यादा हैं, और जब आप देखोगे इसको डेली चार्ट पे, तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं जो ब्रेकआउट है, यहाँ पे आपका कैंडल सिंपली आपको देखने को मिली, मीन्स यहाँ पे लाइन को मैंने जो चार्ट है परफेक्टली वहाँ पे देखा हुआ है, और आप देखोगे जो मूवमेंट है इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे जब हम सपोर्ट की बात करेंगे तो ये जो सपोर्ट है वो आपको 120 और 130 के अराउंड ही आपको देखने को मिलेगा, तो इसके हिसाब से आप आगे की बात है सोच सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा 10 कंप्लीट होता है, और यहाँ पे इस वीक हम करेंसी और जो कमोडिटी है उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और सॉरी सर मैं बैक्टर और अशोक लेलैंड इन पे नहीं दे पाऊंगा। हम जब चार्ट को देखते हैं, मैं आपको सिंपली एक ट्रिक बता, जब भी अगर हम चार्ट को देखते हैं सिंपली अवॉइड कर दीजिए कि क्या चीज़ है, कितनी भी अच्छी चीज़ हो या फिर कितनी भी बुरी चीज़ हो कोई मैटर नहीं है। आप बाय करने जाते हैं क्रिसमस, जरूरी नहीं है कि उसके कारण उतना ज़्यादा हूँ, अगर आएगा तो वही सिंपली हमने वही बोला ना कि अगर आपका आने वाले टाइम में अगर कोई भी वॉल्यूम बनता है तो आपका ब्रेकआउट आपका वॉल्यूम के साथ आएगा। जरूरी नहीं है कि आपका जो क्रिसमस है उसके कारण ही आपका पूरा का पूरा हो या फिर बाकी चीजों के, देख सकते बाटा का मैंने फॉलो, बाटा में मैंने सॉरी सर, मैं यहाँ पे केवल जो आपका चार्ट बुक में जो स्टॉक्स हैं उससे रिलेटेड ही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, इसके अलावा बाकी चीजें हम बात करने वाले नहीं है। एम्बाटा का आई थिंक मुझे पता नहीं कि क्या है, और इट का जो आपका चार्ट था आई थिंक मूव किया भी है, और आप चाहें तो आप पर्सनली आप उसका फॉलो अप कर सकते हैं। नहीं सर, बाटा इंडिया है वो अभी आपका मेजर एक ब्रेकआउट मिस रेजिस्टेंस के पास में है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, अगर वो आपका ब्रेक करता है तो न्यू ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। सर सिंपली मैं व्यू नहीं बताता हूँ, मैं आपका टाटा मोटर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ चार्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आपका रहेगा, बाकी आप अपना देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। आपका जो रिलायंस है स्टिल आपका ब्रेक नहीं कर पाया ना जो लास्ट वीक की जो रेंज थे, एंड अगेन ट्रेडिंग बिटवीन सेम रेंज, सो वी नीड टू वॉच केयरफुली दैट लेवल्स, एंड मैंने आपका जो लेवल्स है मीन जो न्यू चार्ट है वो भी आपको वहाँ पर पोस्ट किया है। एंड थैंक्स, मैं आप सभी को बोल चुका हूँ बर्थडे का, थैंक्स आप सभी के बहुत ज़्यादा आपने विशेस दिए, मैं आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ। LT मैंने LT का कुछ बोला था, देख लेता हूँ मैं भूल गया, इस कारण से ही मैंने इसी कारण से कई बार होता है ना कि जो चीज़ एक्सप्लेन मिस इसमें समझ चीज़ जो रहती है आपकी वो एक्सप्लेन करनी होती है, तो इसका मैं पोस्ट कर देता हूँ कि जिससे मैं भूल भी जाऊँ तो जो चीज़ आपके पास में पहुँचाना चाहता हूँ तो वो पहुँच जाए। भूल गया LT का कि मुझे क्या एक्सप्लेन करना था, मैं इसको बाद में आपका एक्सप्लेन कर लूंगा, तो देखते हैं जो भी आपका यहाँ पे रहेगा।
इसके अलावा कोई अगर क्वेश्चन रहता है तो आप बता सकते हैं। FMCG, हाँ FMCG आप देखोगे जो स्टॉक FMCG सेक्टर है वो नियर आपका रेजिस्टेंस है। जब आप गोदरेज सीपी को देखोगे तो स्टिल वहाँ पे जो कंडीशन है आपकी वहाँ पे पेंडिंग है। वहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपका अगर 9:30 या फिर कितना भी हो 8:30 या कितना भी अगर उसको ब्रेक करता है तो आपको डाउन साइड देखने को मिलेगी। स्टिल जो बियरिशनेस है वो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका जो नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा। वी नीड टू वॉच केयरफुली दैट लेवल, अगर उसको ब्रेक करता है देन आप वहाँ पे देख पाएंगे। और आपका जो FMCG है स्टिल आपका ब्रेकआउट पे है नहीं, अगर ब्रेकआउट के ऊपर होता तो हम देख सकते हैं राइट। एंड अगर और कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप देख सकते हैं। ओके LT नहीं बोलना चाह रहा था, मैं बोलना चाह रहा था कि जो आपका हायर वॉल्यूम जो स्टॉक्स होते हैं लाइक SBI एंड अदर, अगर वहां पे जो वॉल्यूम स्पाइक है अगर वो ज्यादा आए भी ना तो भी हमारा जो ब्रेकआउट है वो वैलिड रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका जो वॉल्यूम है वो पूरी तरह से सो जाए, अगर सो जाएगा तो वहां पे मैटर करता है। लेकिन अगर आपका जो वॉल्यूम है अगर वहां पे स्पाइक नहीं है ज्यादा एंड स्टिल जो आपका एवरेज वॉल्यूम है वही है तो आप उसको भी आप वैलिड साइड में आपका जो वॉल्यूम है जो ब्रेकआउट है आप उसको ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो एवरेज है कि एवरेज से नीचे अगर ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम कम है तो फिर हम उसको एक अलग कंडीशन में जान सकते हैं। बट अगर आपका जो नॉर्मल जो हैवी लिक्विड सेक्टर्स हैं जो आपके स्टॉक्स हैं अगर उनको देखेंगे तो आपका जो वॉल्यूम है जो ब्रेकआउट है वहाँ पे जो वॉल्यूम है उतना ज्यादा मैटर नहीं करता जितना कि आपका स्मॉल और इलिक्विड स्टॉक्स में आपका वहाँ पे करता है। जरूरी नहीं है कि आपका जो बिग बुलिश मार्गो जो हो उसके बाद आपका कंसोलिडेशन हो, जरूरी नहीं है। बट वी नीड टू वेट एंड वॉच समटाइम। जब हम देखते हैं जो आपका मदर कैंडल है वो आपका वहां पर कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलता है मदर बार के इनसाइड में। तो आई थिंक आपका जो क्वेश्चंस है क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन और रहता है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर जो हमारा वेबिनार उसको यहाँ पर एंड करते हैं। एंड थैंक्स अगेन आप सभी को हम विशेष के लिए एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन आप सभी को एंड गुड नाइट।